कि लालू प्रसाद उस अवस्था में नहीं है कि नीतीश कुमार को फिर से एक बार सत्ता से बेदखल कर, कि अपने सारे दुश्मनों को तेजस्वी की तरफ शिफ्ट कर जी, जी। और धीरे धीरे ये हो रहा है। आरसीपी सिंह के बाहर होने के बाद जदयू में बड़े टूट की संभावनाएं बलवती हो रही हैं। बिहार में एक नए सिरे की राजनीति और आम जनता की राजनीति जात पात से हट करके विकास की राजनीति करें। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं और कई खबरों के साथ बाबा के साथ विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि आखिर इस खबर के बाद आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रतिक्रिया होने वाली है। दरअसल चाचा भतीजे में गृह युद्ध शुरू हो चुकी है। हम चाचा भतीजे की जब चर्चा करते हैं तो आपको लगता होगा नीतीश तेजस्वी, लेकिन इस बार चिराग को लेकर भी खबर है। बाबा, चाचा भतीजे का गृह युद्ध, चिराग पारस की बात आप कर रहे हैं? कर तो वहीं रहे हैं, लेकिन अगर नीतीश और तेजस्वी की भी बात हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत जी, है जी। सवाल ये उठता है कि जिस तरह का माहौल पिछले 24 घंटे के अंदर में बना है, वो बहुत सारी बातों को कह रहा है और इतना बता रहा है कि हर चाचा अपने भतीजा से परेशान है जी, या हो सकता है कि डरा हुआ है जी। यही दो बातें नजर आ रही हैं। पहला तो ये, अगर बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को अगर डर नहीं होता तो तेजस्वी यादव को कहते कि तुम्हारे में मुख्यमंत्री की काबिलियत नहीं है, जब तक जीवित हैं तब तक हम ही रहेंगे। यानी 5 साल तक उन्होंने जो बचे हुए जो 5 साल में कार्यकाल हैं 2025 तक, लगभग 2.5 साल के आसपास बच रहे हैं, इस 2.5 साल के लिए तेजस्वी यादव को उन्होंने फिर से सर्टिंग पोस्ट में डाल दिया जी। वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस, भले ही राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता कम हो जी, पार्टी भले ही उनकी अलग बन गई हो, भले ही उनके पास 4 सांसद हो, 5 सांसद हो जी, लेकिन उनसे ज़्यादा एक्शन में चिराग पासवान, चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान को चिट्ठी लिख करके बिहार में चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी को बुलाना पड़ता है सेलिब्रिटी की तरह जी, जी। इसका मतलब है कि पशुपति कुमार पारस अपना जो इनपुट है वो नहीं दे पा रहे हैं जी। इस कारण से कहीं ना कहीं गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को घोषित किया है कि 2025 में होंगे, उनके यहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है दोनों तरफ। आप इतना ही बात समझ लीजिए कि बड़ी खुश नसीब है नीतीश कुमार कि लालू प्रसाद उस अवस्था में नहीं है कि नीतीश कुमार को फिर से एक बार सत्ता से बेदखल कर। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि तेजस्वी यादव ने भी ये बात कहा है, जैसा जिसका जिक्र उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया है, कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री उम्मीदवारी की बात कही है उसमें बहुत जल्दबाजी है जी, समय अभी और समय और चाहिए इसके लिए, और यही बात उन्होंने रिपीट भी किया। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं आप चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की जी, तो पशुपति कुमार पारस तो 24 घंटा चाह रहे हैं कि वो मेरे पास आ जाएं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरी शक्ति कितना है और मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। बिल्कुल उसी अंदाज में चिराग पासवान अगर आज हाँ कह दें तो सारा मामला समाप्त हो जाएगा और गृह युद्ध जो छिड़ा हुआ है वो माने शांति युद्ध में शुरू हो जाएगा। प्रिंस राज का आप बयान सुने ही होंगे, ऐसी स्थिति में आप इतना समझ लीजिए कि 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे थे कि लगातार आप लोग चर्चा कर रहे थे पंचनामा में, आप लोग नई नई बातें लेकर के आ रहे हैं। उन्हीं नई बातों में से एक बात और था कि भले ही गुजरात के लिए चाचा को बुलाया गया हो, लेकिन मेरी बात हुई थी जब चिराग पासवान से जी, तो वो पूरे गुजरात में ही थे जी। ऑफिशियली भले ही वो चूंकि मंत्री हैं केंद्र में है, तो उनको गुजरात में जाना हो या इंडिया के गठबंधन के हिस्सा है, चिराग पासवान आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को जहां जरूरत पड़ रही है उनको यूज कर रहा है। इसका मतलब है कि गेस्ट अपीयरेंस की ज़्यादा इज्जत होती है जी। नीतीश कुमार के लिए अब तेजस्वी भाजपा से भिड़ रहे हैं, तेजस्वी का ढाल बन रहे हैं, क्या लगता है रिश्तों में जो खटास की बात आ रही है वैसा कुछ है नहीं? सनी, बहुत हंसी आती है दो चीज़ों पे, एक तो आधुनिक राजनीतिज्ञों पे जी, और दूसरा जो हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और हमारे ही बिरादरी के कुछ लोग हैं जी, जो अकेले दम पर सब कुछ करना चाहते हैं। मेरी कल कई पत्रकारों से बातचीत हो रही थी जी, और सभी का दुख यही था कि पत्रकारिता का स्तर गिराने वाले लोगों को कैसे चिन्हित किया जाए, और एक तरफ ये है, दूसरी तरफ राजनीतिक लोग भी अब चीज़ों को उतना अहमियत नहीं दे रहे हैं। कोई भी आपके दरवाजे पर जा रहा है जिसका ना आप जानकारी ले रहे हैं कि उसके पास क्या सोच है, क्या किस तरह का वो खबरें देता है, क्या करता है, आप उसे
इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और सीधे उसको बयान आप दे देते हैं, आपके बयान के साथ और आपके साथ क्या हो रहा है ये अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की लड़ाई में नीतीश कुमार ने तो यही चाहा था कि अपने सारे दुश्मनों को तेजस्वी की तरफ शिफ्ट कर दें। जी, जी। और धीरे धीरे ये हो रहा है। आप देखिए ना, सदन में जो कुछ भी हुआ, आप आज से 3 महीना पहले 4 महीना पहले चले उस जगह पे तेजस्वी थे, वहाँ तेजस्वी थे। तेजस्वी के साथ क्या हुआ? तेजस्वी के कारण महागठबंधन के नेताओं को, मुझे याद आता है 21 का वो मार्च का महीना था, 23 मार्च से लाठीचार्ज जो मैंने माननीय कहे जाने वाले लोगों को लाठी से पीटा गया था और भारतीय जनता पार्टी तब मूक दर्शक बन के खड़ी थी। जी, जी। एक बार भी उसने नहीं कहा कि ये गलत परंपरा है। जी। तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तब तेजस्वी यादव को डिफेंड करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे किया, आज खुद को डिफेंड करने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे कर दिया। उसी कैंपस में शराब की बोतल मिली थी और उसके चलते तेजस्वी यादव ने क्या नहीं कहा था। जी, जी, आज वही तेजस्वी यादव अगर डिफेंड आपको कर रहे हैं तो ये सत्ता की जो कहा जाता है हल्की जो राजनीति शुरू हो गई है वो आपको समझ में आएगी। और उसी तरह से मैं अपने बिरादरी को भी कहता हूं कि आपको भी अपने आप को संभालने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए भाजपा से भिड़ना तेजस्वी यादव का राजनीतिक फर्ज भी बनता है गठबंधन में। जी, एक सवाल लगातार उठ रहा है अब कि बिहार में नई पार्टी एक बनने वाली है, चर्चा काफ़ी लंबे समय से है, आरसीपी सिंह पार्टी बनाएंगे। तो आरसीपी सिंह लॉकुस अकेले तो नहीं हो सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं इस लॉकुस की नई पार्टी में? देखिए, नया अपडेट पिछले 48 घंटों में हुआ है। जी, हमने सबसे पहले, आपको याद होगा कि भारत लाइव ने ही एक खबर ब्रेक किया था कि बिहार से तीसरे मोर्चे की शुरुआत होगी और बिहार केंद्र में भी देश स्तर पर तीसरे मोर्चे का अगवानी करेगा। जी, इसकी हमने बात की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तीसरे मोर्चे को कहीं ना कहीं उसके चर्चा को लेकर के अपनी झेप मिटाने के लिए कहा कि कोई तीसरा चौथा मोर्चा नहीं है, फर्स्ट मोर्चा मेरा ही रहेगा, मेन मोर्चा मेरा रहेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हमने बताया था कि जदयू जो है आरसीपी सिंह के बाहर होने के बाद जदयू में बड़े टूट की संभावनाएं बलवती हो रही हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को और ललन सिंह को चाहिए था कि वो अपने लोगों को मुट्ठी में कैद करके रखते हैं, उन लोगों की समस्याएं सुनते। जी। याद आ रहा है सनी, आप तो लाइव चला ही रहे थे, जब राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक हो रही थी, खुला अधिवेशन की, उस समय नीतीश कुमार के भाषण के समय में, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के भाषण के समय में उनकी पार्टी का कोई आदमी खड़ा होकर के और उनसे क्वेश्चन कर दे। जी, जी। उनके पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने खड़ा होकर के कहा कि आप ये बताइए कि समता पार्टी से आपका उदय हुआ, आज समता पार्टी के लोग कहाँ हैं? उनको पूछने वाला तक कोई नहीं है, ऑफिस में जाते हैं तो कोई बात तक नहीं करना चाहता। नीतीश कुमार को उस मंच से कहना पड़ा कि देख लीजिए ललन बाबू, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने लौकिक समीकरण साधने का जो एक प्रयास किया था उस प्रयास में वो सफल नहीं हुए। जी। और उसका उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। जी। क्योंकि अगर आरसीपी सिंह की बात करते हैं हम, तो आरसीपी सिंह जहां एक तरफ कुर्मी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस बिरादरी से नीतीश कुमार भी आते हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है कुशवाहा समाज से और लौकुश इसी से बना है। जी। सतीश कुमार से जब भी हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में हमने एक स्पार्क देखा था। जी। हमने देखा था कि हमारे नेता यंग है, पढ़े लिखे हैं, हमारे नेता के रूप में, चूंकि हम लोग जमीनी कार्यकर्ता थे, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग थे, हम लोग को सत्ता उत्ता से लेना देना नहीं था, लेकिन इनको हम लोग अपना नेता माने और उसका नतीजा ये हुआ कि बारी बारी से अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के साथ उन्होंने धोखा किया है। और खास करके वो कुर्मी होते हुए कहते हैं कि कुशवाहा समाज के साथ जो बेटी रोटी का रिश्ता हमने बनाया था, जिसकी हमने कसम खाई थी सब लोगों ने, उस कसम को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है। तो जब अपने लोगों का कसम तोड़ दिया है तो निश्चित रूप से लौकुश समीकरण के लिए लौकुश के लोगों को एक अलग विकल्प खोजने की जरूरत थी, जिसकी शुरुआत आरसीपी सिंह ने कर दिया था। लेकिन 48 घंटे पहले जिस पार्टी की वो स्थापना करने वाले थे उसमें नया अपडेट हो गया है। और जहां तक हमारी जानकारी है, जो चर्चा दिल्ली में चल रही है और दिल्ली में इसके लिए लगातार बैठकों का दौर है, कई दल के नेता, आप लोगों ने खबर में दिखाया ही है कि कई दल के नेता वहां पहुंचे हुए हैं दिल्ली में, उन लोगों के साथ मंत्रणा हो रही है और कई पार्टियों को मिला करके एक पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि आरएलएसपी जो मर गई थी उसे फिर से जीवित करके और सब लोग मिल करके एक ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जिसमें लौकुश भी हो, ए टू जेड भी हो, और जो बिहार में
एक नए सिरे की राजनीति और आम जनता की राजनीति जात पात से हट करके विकास की राजनीति करे, जिसके लिए लौकुश समीकरण में आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की कवायद चल रही है। हो सकता है कि हमारा आकलन जो है और हमें जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी में देर लग जाए, लेकिन ऐसी संभावनाएं पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लौकुश की नई पार्टी बनेगी और बिहार में एक बड़ा तूफान मच जाएगा। वही दूसरी तरफ बात करें तो चाचा भतीजे के रिश्ते में एक बार फिर से खटास देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तेजस्वी यादव नीतीश के लिए भिड़े हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।